क्या आपने कभी पिज्जा डोसा खाया है? अगर नहीं खाया ना तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं पाकुड़तला मोड़ में लोकेटेड एक छोटे से फूड जॉइंट में, जो कि है वड़क्कम डोसा। और ये फूड जॉइंट फेमस है अपने साउथ इंडियन फूड के लिए। दिन तो दिन यहाँ पर रात में भी बहुत ज्यादा क्राउड होता है। इनका मेन्यू बहुत ही ज्यादा वास्ट है, तो आपको यहाँ पर डोसा के बहुत सारे वराइटीज मिल जाएंगे। इवन आपको यहाँ पर सैंडविचेस, बर्गर्स, कूलर्स एंड कुल्फीज भी मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर ऑर्डर करा पिज्जा डोसा और तंदूरी पनीर डोसा का, तो चलिए अब आपको इनका मेकिंग दिखाते हैं। सबसे पहली बात, अगर बात करें हाइजीन का ना, तो इन्होंने इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा था। हर बार ये लोग डोसा बनाने से पहले तवे को बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब हमारा डोसा का मेकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इन्होंने बैटर डाला, बैटर डालने के बाद इन्होंने एक चटनी डालकर इसे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया। अब हमारा यहाँ पर तंदूरी पनीर डोसा तैयार होने वाला है, तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर तंदूरी मेयो स्प्रेड कर दिया। अब इस पे अच्छे से ऑयल डालने के बाद इन्होंने जो डोसा का मसाला रेडी करके रखा है ना, वो इस पे रख दिए। एंड लास्टली अब इस पे ऐड होने वाला है लॉट्स ऑफ पनीर। गाइस, मुझे तो डोसा का मेकिंग देख के ना बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है इसे खाने की। ओके, सो साइड बाय साइड यहाँ पर हमारा पिज्जा डोसा का भी मेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और उसका मेकिंग भी काफी सिमिलर है हमारे तंदूरी डोसा से। जस्ट दैट उसमें हमारे मसाले को स्प्रेड नहीं करा गया था, और इसमें पूरा स्प्रेड कर दिया गया है इवनली। और ये हमारा वेजी पैराडाइज पिज्जा डोसा है, तो इसमें आपको वेजीज तो भर भर के दिखाई दे रही होंगी। मैं जब भी वड़क्कम डोसा को क्रॉस करती थी ना, हमेशा वंडर करती थी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा डोसा मिलता है जो यहाँ पर इतना ज्यादा क्राउड रहता है। अब ये सवाल का जवाब तो हमें डोसा खाने के बाद ही मिलेगा कि एक्चुअली में ये जगह वर्थ इट है या नहीं। तो अब हमारे पिज्जा डोसा में लास्ट के कुछ टचअप्स ऐड हो रहे हैं। अभी इसमें डाला इन्होंने चीज, अब इन्होंने ऐड करा मेयोनीज, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो एंड लास्टली ये ऐड करेंगे इस पे केचप। फाइनली हमारा पिज्जा डोसा बनकर एकदम तैयार है खाने के लिए, और मुझे लिटरली क्रेविंग हो रही थी इस टाइम पे इसे खाने के लिए। तो आप टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा टेस्ट करता है, बस दिखने में सुंदर है या फिर खाने में भी टेस्टी है कि नहीं। और गाइस, अगर जेन्युइनली बताऊं ना, तो जब मैं इसका ऑर्डर दे रही थी ना, तो मैं विन विन सिचुएशन में थी। मैं सोच रही थी इसे ऑर्डर करूँ या ना करूँ, एक्सपेरिमेंट सही रहेगा कि नहीं, बट यू नो वट, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था। और एक टाइम पे इतने सारे फ्लेवर्स मुंह में ब्लास्ट हो रहे थे ना, कि लिटरली मुझे तो ये मेरा फेवरेट हो गया। अब मैं जब भी यहाँ पर जाओगी ना, मैं डेफिनेटली यही पिज्जा खाऊंगी। हेलो, लेट्स मूव टू आवर अनदर डोसा, जो कि है तंदूरी पनीर डोसा। और ये डोसा भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। मोस्टली मैं प्लेन डोसा खाना प्रेफर करती हूँ, बट ये वाला अगर कोई मुझे दे देना तो मैं खा लूंगी, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत बढ़िया था। बट इनका ना बस एक चीज मुझे बहुत अजीब लगा, कि इन्होंने जो व्हाइट वाला चटनी दिया था ना, जो ऑथेंटिक नारियल का चटनी होता है, उसमें मुझे टेस्ट उतना बढ़िया नहीं लगा। बट इनका सांबर बहुत बढ़िया था, तो अगर आप यहाँ पर आते हो ना, तो ये दोनों तो आप डेफिनेटली ट्राई करना, और हमें कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।